बारिश के दिनों में आकाश बिजली कैसे और क्यों बनती है? आखिर क्यों बादल गरजते और चमकते हैं? आकाश बिजली आखिर धरती पर गिरती क्यों है? आकाश बिजली से जुड़ी पुरानी डरावनी धारणाएं क्या हैं? आखिर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स में आकाश बिजली के बारे में क्या सच्चाई सामने आई? क्या पृथ्वी की तरह दूसरे ग्रहों पर भी आकाश बिजली का अस्तित्व है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं टवी आपके अपने YouTube चैनल टवी टेक्निकल स्पेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ऐसे ही और भी रोचक और विज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना विज्ञानवर्धक सफ़र। बारिश के दिनों में बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के छोटे छोटे कण या बर्फ के क्रिस्टल के रूप में मौजूद होती है, और जब हवा चलती है तब हवा और इन जल कणों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह जल कण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं और आगे चलकर यही आकाश बिजली का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बादलों के कुछ समूह धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और बादलों के कुछ समूह ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज बादल नेगेटिव चार्ज बादल एक दूसरे के समीप तेजी से आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं और अत्यधिक उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है, जो हमें आकाश बिजली के रूप में चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक उसी समय गरज या आवाज़ भी उत्पन्न होती है, परंतु क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है, जिससे बादल चमकते पहले हैं और आवाज़ या यूं कहिए गरजते बाद में हैं। होता क्या है दोस्तों, जब पॉजिटिव चार्ज बादल नेगेटिव चार्ज बादल से टकराते हैं तब कई बार अत्यधिक विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है, जो अपने लिए एक शक्तिशाली कंडक्टर तलाशता है जहां से वह होके गुजर सके, क्योंकि बादलों में मौजूद जल कण इसके लिए एक अच्छे कंडक्टर का काम करने में असमर्थ रहते हैं। तो तब यह आकाश बिजली धरती पर एक अच्छे कंडक्टर की तलाश करती है जहाँ से यह गुजर सके, और क्योंकि वृक्ष, ऊंचे इमारतें, बिजली के खंभे और धातुओं की बनी हुई वस्तुएं आकाश बिजली के लिए एक अच्छे कंडक्टर का काम करती हैं, इसलिए आकाश बिजली धरती पर गिरती है। पुरानी धारणाओं के अनुसार आकाशीय बिजली ईश्वर के क्रोध को प्रदर्शित करती है। जब ईश्वर बहुत अधिक मनुष्य के दुष्कर्मों से क्रोधित होता है, तब बिजली को धरती पर गिराकर मनुष्य को सचेत करता है कि अपने कर्मों को सुधारो, वरना ऐसे ही दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। और दोस्तों, ग्रीक और रोमन देशवासी इसे आज भी भगवान बृहस्पति का प्रहार दंड मानते हैं। विद्युत संबंधित जानकारी बढ़ने के बाद वैज्ञानिकों ने यह माना कि आकाशीय बिजली की घटना भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कंडेंसर को डिस्चार्ज करते समय इसके प्लेटों के बीच से वायु में से होकर विद्युत स्पार्क का प्रवाह होता है, परंतु इसको प्रमाणित करने के लिए प्रयोग करने का साहस किसी ने जुटा नहीं पाया। परंतु बाद में चलकर बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरणा से प्रेरित होकर दो फ्रांस वैज्ञानिक डालीबार्ड और डेलोर ने प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने धातु की दो छड़ें ली। डालीबार्ड की छड़ 40 फीट की थी और डेलोरा की छड़ 99 फीट ऊंची थी। दोनों ही छड़ों से वे लगभग 1.5 इंच लंबाई तक का विद्युत स्पार्क का विसर्जन करने में सफल रहे, और आगे चलकर एक और अन्य वैज्ञानिक ने इसी प्रयोग को दोहराने की कोशिश करी, जिसमें उसने जान से हाथ धो बैठा। परंतु फिर भी इस प्रयोग को अन्य वैज्ञानिकों ने तर्कसंगत मानने से इनकार कर दिया। अतः बाद में फ्रैंकलिन ने अपना सुप्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट पतंग वाला काइट्स एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने पतंग उड़ाकर बादलों के अंदर पहुंचाया और पतंग की डोर से एक चाबी बांध दी थी। उन्होंने पाया कि जैसे ही नम बादलों के अंदर पतंग ने प्रवेश किया, वैसे ही पतंग और पतंग की डोर गीली होते ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गई और पतंग और उसकी डोर दोनों तन गई। उन्होंने पतंग की डोर से बंधी हुई चाबी के पास जब अपना हाथ ले गए तो चटचटाहट की आवाज के साथ विद्युत डिस्चार्ज और चमक उत्पन्न हुआ, जिससे यह सिद्ध हो गया कि नम बादलों में भी विद्युत चार्ज होता है और उसी के डिस्चार्ज से चमक या ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, यह खतरनाक प्रयोग के बाद आकाश बिजली का सच सबके सामने आ गया। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं तो पृथ्वी ग्रह की तरह
शनि, सैटर्न, बृहस्पति, जुपिटर, यूरेनस और शुक्र, वीनस ग्रहों पर भी प्राप्त आंकड़ों से आकाशीय बिजली की मौजूदगी के सबूत पाए गए हैं कि इन ग्रहों पर भी आकाश बिजली का अस्तित्व है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे और भी अधिक वीडियो देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल पर विजिट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जय भारत।